हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक्स अड्डा में। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। आज आपको हम एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप गेहूं, जूट और बाजरा उत्पादन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं बहुत आसानी से जान सकते हैं। चलिए, आज आपको हम बताएंगे कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं जो गेहूँ, बाजरा और जूट उत्पादन करते हैं। बहुत आसान से ट्रिक के माध्यम से आप राज्यों के नाम याद कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहला, गेहूं उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं भारत में। आप देख रहे हैं कि हाथ से लिखा हुआ नोट्स है, तो आप समझ सकते हैं कि मैं भी पढ़ने वाला विद्यार्थी हूँ, इसलिए सोचा अपने प्यारे दोस्तों को भी शानदार ट्रिक बताऊँ जिससे पढ़ने में उनको आसानी हो। तो सबसे पहला ट्रिक है, यूपी बीमार है जी। यू मतलब उत्तर प्रदेश, भी मतलब पंजाब, भी मतलब बिहार, माँ मतलब मध्य प्रदेश, रा मतलब राजस्थान, है मतलब हरियाणा, जी मतलब गेहूँ। कितना आसान सा ट्रिक है, यूपी बीमार है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये पांच राज्य, अच्छे राज्य ऐसे हैं जो भारत में गेहूँ उत्पादन सबसे ज़्यादा करते हैं। नंबर सेकेंड पे लिखते हैं आपको, जूट उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं भारत में। तो इसका शानदार ट्रिक है, मौज में माँ बाप। जिसके बच्चे अच्छे निकल जाते हैं, लायक निकल जाते हैं, उनके माँ बाप हमेशा मौज करते हैं, कोई टेंशन नहीं रहता, हमेशा हम बिंदास मस्त रहते हैं। तो आपको हम बता दें कि मौज, मौज मतलब हो गया मेघालय उड़ीसा, यह मतलब मेघालय, वो मतलब उड़ीसा, यह मतलब जूट। फिर ने, यह मतलब महाराष्ट्र, ये मतलब आंध्र प्रदेश, आसाम। फिर बाप, बी मतलब बिहार, ए मतलब आंध्र प्रदेश, पी मतलब पश्चिम बंगाल। कितना आसान सा ट्रिक है, मौज में माँ बाप। इसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं जूट उत्पादन करने वाले भारत के प्रमुख राज्य कौन कौन से, मेघालय, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आसाम, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। नंबर थर्ड पे आपको ले चलते हैं, बाजरा उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से। इसका शानदार ट्रिक है रेड पीएम। आप जानते हैं जो बंदे ये दो नंबरी पैसा कमाते हैं उनके घर क्या पड़ जाता है, रेट। इसी के माध्यम से हम एक ट्रिक बना है, रेड पीएम। आर्य मतलब राजस्थान हो गया, टी मतलब तमिलनाडु हो गया, पी मतलब पश्चिम बंगाल हो गया, या मतलब महाराष्ट्र हो गया। कितना आसान सा ट्रिक है, रेड पीएम के माध्यम से आप बाजरा उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों के नाम याद कर सकते हैं, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो दोस्तों, आपको वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप इसको सबसे पहले लाइक कीजिए, अगर और अच्छा लगा तो इसको आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम भी सीखें, हमारे दोस्त सीखें, तो इसको आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो पढ़ने वाले हैं, वो भी कुछ अच्छा करेंगे आगे। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।